बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सुन रहे हैं हॉट 105। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है और हर इतवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आपकी मेरी मुलाकात रहती है इस प्रोग्राम में, जिसे कहते हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड। और अगर आज नए हैं हमारे दोस्त, तो ये बता दूं कि इस प्रोग्राम में हम आपके साथ बातें किया करते हैं, कुछ आपकी जानते हैं, कुछ हम आप तक अपनी पहुंचाते हैं, और हम आपको लेजेंड्स की आवाज़ें सुनाते हैं। गीत और गज़ल का ये प्रोग्राम होता है, इसमें फोक भी हम शामिल किया करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का शो भी अच्छा लगेगा। इसमें हम आपके दिल की बात जानना चाहते हैं, और कुछ ऐसे मौजूदात होते हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हैं और हम आम तौर पे उन पे गौर फिक्र नहीं किया करते हैं। सो आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ, आप जहाँ जहाँ तक जहाँ भी हमें सुन रहे हैं। मेरा नाम है मुजफ्फर अहमद, संडे मॉर्निंग विद लेजेंड में हर इतवार को और हर जुमेरात को गाने जाने अनजाने में रात 10 बजे से 12 बजे तक ये दो शोज होते हैं मेरे, जिसमें आपसे मैं हम कलाम होता हूँ और आपके लिए कोई अच्छी चीज़ें लेके आता हूँ, अच्छा म्यूज़िक लेके आता हूँ, प्योर म्यूज़िक लेके आता हूँ। मैं म्यूज़िक के मामले में बड़ा सेंसिटिव हूँ और जिस तरह का म्यूज़िक मुझे खुद पसंद है, मैं वही आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक कामयाब हूँ, इसलिए कि आप सुनते हैं इस प्रोग्राम में, गज़लें और गीत पसंद करते हैं और मुझे मैसेजेस भी भेजते हैं। हमारा आपका रब्ता रह सकता है 8881 पे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और जो बात भी कहना चाहें, और उसका तरीका जो है मैं अभी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा फेसबुक पे हॉट 105 का ऑफिशियल पेज होता है, वहां भी जाके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रोग्राम की पसंदीदगी के या कोई और बात भी कहना चाहें, जब आप रोमन में लिखें उर्दू तो फिर जरा सा स्पेलिंग वगैरह भी चेक कर लीजिएगा। और ख़वातीन हज़रात, आज इतवार का दिन और अब थोड़ी खून की बढ़ती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता रात ठंडी हो जाती है और दिन गर्म होता है, दिन में खासी गर्मी हो जाती है, ये सब अल्लाह के बनाए हुए मौसम हैं और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि ये मौसम हमें अता हुआ है। प्रोग्राम का आगाज हम एक बहुत अच्छी आवाज से कर रहे हैं और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अच्छा कलाम हो, मेयारी कलाम हो, असातिज़ा के कलाम, चूंकि लेजेंड्स की बात हम करते हैं तो लेजेंड्स हमारे गुलूकार होते हैं और लेजेंड हमारे शुआरा कराम होते हैं, मौसिकार होते हैं, हम उनको खराज अकीदत भी पेश करते हैं, उनको हम याद भी करते हैं कि कैसे कैसे कीमती तोहफे हमारे लिए छोड़ गए हैं। और जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक सुनने वाले, अच्छा म्यूज़िक सुनने वाले मौजूद हैं, उस वक्त तक इनको सुना जाता रहेगा और इनको ट्रिब्यूट पेश किया जाता रहेगा। सो प्रोग्राम का आगाज़ आबिदा परवीन जी की आवाज़ से हम कर रहे हैं।
वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। टेक्स्ट मैसेज HOT लिखिएगा, एक स्पेस दीजिएगा और उसके बाद अपना मैसेज, और भेजना है 8881881। वे सूरतें इलाही किस मुल्क बस्तियां हैं, अब देखने को जिनकी आंखें तरसतियां हैं। आया था क्यों अदम में, क्या कर चला जहां में, ये मर्ग अजीज तुझ बिन आपस में हंसतियां हैं। मोहम्मद रफी सौदा का कलाम। Yeah.
right back after this short commercial break. This cricket anthem is brought to you by Biscony. कह दे सबको तू बता खेले हम शान से कोई जाने हमको ना हमको छूना है आसमां जब जोश है हर अंग में तो फिर दुनिया को दे बता अब वक्त है जब दिल को भी फिर जीतने का है नशा अब जाना कोई यारा है अपना ये जुनून देगा फिर से शोर जब ये खेल जब दिस क्रिकेट एंथम इज ब्रॉट टू यू बाय बिस्कोनी. अम्मी कहती हैं बेटा महंगाई में बजट रखो तो कॉम्प्रोमाइज करो सौदे पे बिजली के बिल पे हर छोटी बड़ी चीज पे पर क्वालिटी और जायके पे नो कॉम्प्रोमाइज वो भी बजट के साथ. नेशनल रेसिपी मिक्सेस का बजट पैक ₹40 में सबका बेहतरीन मजा बजट में मिला. बजट जरूर रखना पर क्वालिटी और जायके पर कॉम्प्रोमाइज ना करना. पूरे घर के लिए सबसे बेहतरीन मजा नेशनल रेसिपी मिक्सेस पाकिस्तान's नंबर वन रेसिपी मिक्स ब्रांड. वे सूरतें इलाही किस मुल्क बस्तियां हैं अब देखने को जिनकी आंखें तरसतियां हैं. साहब हमारे कितने प्यारे कितने करीब हमारे रिश्ते हमारे बहन भाई हमारे माँ बाप हमारे दोस्त अहबाब वो हस्तियां वो शख्सियात जो किसी न किसी तौर हम पे असरअंदाज रहती हैं जिंदगी भर. वो अदीब वो शायर वो फिलोसोफर वो साइंटिस्ट वो फनकार वो पेंटर कितने ही लोग चले गए और चले जाते हैं और चले जाते रहेंगे लेकिन हम उन्हें याद करते हैं तो कलेजा मुंह को आता है. ये कैसा निजाम है कैसे गैर महसूस अंदाज में कैसे गैर महसूस अंदाज में ये लोग हमसे जुदा हो जाते हैं. पर हम हाथ मिलते रह जाते हैं. एनीवे ख़वातीन उज़्ज़ात हमें याद करना चाहिए ऐसे लोगों को और उनकी दुआ भी करनी चाहिए. मैंने आपको मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का नाम आप अभी सुनाया था और इसी तरह से हम आपको सुनाते रहेंगे. और मैं शुक्रगुजार हूँ नादिर साहब का साइट कराची में हमें सुनते हैं और बहुत रेगुलर बड़े ध्यान और बड़े तवज्जो के साथ और ऑब्जर्वर की तरह मेरे प्रोग्राम को वो देखते हैं सुनते हैं और कभी कभी निशानदेही करते हैं मेरी गलत फहमियों का भी खुश फहमियों का भी. और एनीवे बहुत शुक्रिया नादिर साहब आपका. और अभी प्रोग्राम का आगाज होते ही सबसे पहले नादिर साहब का मैसेज आया है और उसके बाद एक नौजवान है ये साबरी साहब हैं और हमें सुनते हैं यहाँ गोलीमार के इलाके में कराची में. बड़े दुखी हैं और मैं दुखी लोगों की पुकार पे लबैक कहा करता हूँ और मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि ये दुख जो होते हैं जी हम अपने खुद ही अपने इर्द गिर्द इनका जाला बनते हैं. इसमें किसी का कसूर नहीं होता. जिंदगी में बहुत ज्यादा मकामात ऐसे आते हैं जहाँ पे हम में से बहुत ज्यादा लोग गलत फैसले करते हैं. इनकी बेगम रूठ के पिछले 3-4 महीने से अपनी अम्मा के घर चली गई हैं. उसकी वजह ये बताते हैं कि उन्हें मेरी माँ पसंद नहीं है. वो कहते हैं कि वो मुझसे बहुत काम करवाती हैं. अब अलमिया जी है कि इनका एक बच्चा भी है 2 साल का है और कहते हैं कि वो मुझसे मिलने भी नहीं देते और कहते हैं कि तुम जब अलग कोई घर ले लोगे तो हम आ जाएंगे हम अपनी बेटी को भेज देंगे. कितनी ये तकलीफ दे बात है
इस लड़के के लिए भी, इस मर्द के लिए भी, इस शौहर के लिए भी, और इससे भी ज़्यादा काबिले गौर बात है इनकी वालदा के लिए, उस बच्ची की जो सास हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करती हैं। आखिर वो सास माँ क्यों ना बन गई, क्यों ना उसे माँ का प्यार दिया, क्यों ना उसे माँ की तवज्जो दी। हम अपनी बेटियों का जिस तरह से ख्याल रखते हैं, अपनी बहुओं का इस तरह से ख्याल क्यों नहीं रखते हैं, और घर बर्बाद कर दिया अपने बेटे का। अब क्या वो बहुत सुखी होंगी, क्या वो खुश होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, खुश नहीं होंगी। लेकिन एक अजीब तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। माँ जो है चाहे भी तो कभी कभी माँ बन जाती है, लेकिन ज्यादातर कोशिश यही करती है कि मैं सास ही बनी रहूं। लेकिन उधर की बात यह है कि बेटियों को भी डांटा जाता है, बेटियों को भी सख्त सुस्त कहा जाता है, काम वाम घर के करवाए जाते हैं, लेकिन वो तो कभी बुरा नहीं मानती हैं, उल्टा हंसती हैं और माँ के साथ बहस मुबासा भी कर लेती हैं। लेकिन जब बहू आती है तो वो अपने आप को बेटी भी नहीं समझती है, वो बहू ही समझती है उस घर की अपने आप को, और उसको भी अपनी माँ नहीं समझती है। तो ये सिर्फ आपके घर का साबरी साहब मसला नहीं है, ये बेशुमार घरों का मसला है जहाँ पे ये बच्चियाँ जो हैं अपनी माँ की मैं क्या कहूँ, नामुनासिब तरबियत कहूँ, हिदायत कहूँ, क्या कहूँ। माएँ जब बेटियों को रुख्सत करती हैं तो उन्हें चाहिए कि वो उन्हें कहें कि अब वो घर तुम्हारा है, ये घर तो तुम्हारा है ही, अब तो दो दो घर तुम्हारे हैं। लेकिन वहाँ अपनी सास को माँ समझना, और जिस तरह से जहाँ पे हम तुम्हें डांटते भी थे और मुख्तलिफ बातों पे मना भी करते थे, इस तरह से वो भी मना कर सकती है, तो इसका असल में एहसास ज़्यादा होता है कि ये मेरी माँ तो नहीं है, ये तो मेरे मियाँ की माँ है। तो जब मियाँ आपका है तो उसकी माँ भी आपकी हो सकती है, ये समझने की बात है। अभी मैं आगे चलता हूँ और मैं एक और कलाम आप तक पहुंचाता हूं। खास मेहदी हसन साहब की आवाज अगर मैं ना आप तक पहुंचाऊं तो बड़ी ज्यादती होती है, और मेरे प्रोग्राम का लाजमी हिस्सा होते हैं ये मेहदी हसन, गुलाम अली, फरीदा खानम, नूर जहां, और हमारे बहुत सारे जो क्लासिक शायर हैं उनका कलाम। आइए मैं आपको ये, असल में सुबह चाय ना मिले तो फिर गले में थोड़ी सी रुकावट आ जाती है, आप जरा दरगुजर फरमाइएगा। शायर कहता है, दिल में परीद बसाई जब से मैंने किसी हरजाई की, कूचे कूचे फैल गई है बात मेरी रुसवाई की, तारे बरसाए अंगारे किरने तीर चलाती हैं, नागन बनकर डस लेती है दिल को रात जुदाई की। जलता हो जंगल में जैसे पेड़ महकता चंदन का, फूंक रही है ऐसे मुझको आग मेरी तन्हाई की। दिल में तेरे मिलने का अरमान रह गया, इस दिल में तेरे मिलने का अरमान रह। और ये कलाम है मुसफी का, गुलाम हमदानी मुसफी। तड़प तड़प से मेरी जान रह गया, इस दिल में तेरे मिलने का अरमान रह गया, इस दिल में। नाज़ा था नाज़ा था अपने हुस्नों से
सफाई पे आईना आईना नाजा अपने हुस्न सफाई पे आईना सूरत को तेरी देख के हैरान रह गया सूरत को तेरी देख के हैरान रह गया इस दिल में अपने हाथ से ताबूत जो कोई तारे गिरेबान रह गया ये दिल तड़प तड़प के मेरी जान रह गया इस दिल में तेरे मिलने का अरमान रह गया सफाई पे आईना सूरत को तेरी देख के हैरान रह गया इस दिल This is Hot FM Network. Hot FM Network. दोस्तों हमारे एक दोस्त ने कर्म फरमा ने लिखा है कि आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का क्रिकेट है फाइनल है तो उसके लिए दुआ कीजिए मैं दुआ गो हूँ जी हमेशा पाकिस्तान की फतुहात के लिए हमेशा दुआ गो रहता हूँ लेकिन नीयतें साफ हों और अच्छा खेल खेले तो कोई भी टीम जीत सकती है मैं हमेशा कहता हूँ कि खेल को खेल ही समझा जाए इसमें इतना ज़्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए अलबत्ता अगर फतह होती है जीत होती है तो उस पर फ़ख्र करना चाहिए खुशी मनाना चाहिए लेकिन वक्त से पहले ही जो भी खेलने आया है मैदान में वो अच्छा खेल खेलने के लिए और जीतने के लिए आता है हम ये क्यों अज्यूम कर लेते हैं कि हम हमेशा हमें जीतें ये कहा करें कि हम अगर अच्छा खेलेंगे हमारे खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे तो हम फिर जीत सकेंगे अगर अच्छा नहीं खेलेंगे वैसे भी क्रिकेट को हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे कि ये बाय चांस है इसमें बस लग जाए तो लग जाए वरना कोई ज़रूरी नहीं है कोई प्रेडिक्शन जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाती है अलबत्ता कुछ माहरीन जो हैं क्रिकेट के वो जब क्रिकेट के खिलाड़ियों को देखते हैं उनके भावताव देखते हैं खेलने के अंदाज को देखते हैं तो बहुत सारी बातें भी करते हैं एनीवे ख़वातीन ज़ैद आप के लिए भी दुआएं हैं और आपकी टीम के लिए भी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला फतह करे लेकिन इस फतह के बाद हमें पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान के गुरबा को क्या मिलेगा
क्या कोई आसानी हो जाएगी? सर पे हमारे खतरात मंडला रहे हैं, इस सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी, बिजली का हालात आपके सामने है और महंगाई किस हद तक चली गई है। फिर कुछ लोग कहते हैं साहब अगर कोई छोटी सी खुशी मिलती है तो उसको क्यों ना मनाया जाए। मैंने मना नहीं किया है, आप जरूर खुशी मनाइए, लेकिन ये खुशी कहीं छोटी है और वो दुख, वो दाग, वो परेशानियां, वो मसाइब बहुत बड़े बड़े हैं, जिनमें से छोटी सी खुशी एक चींटी की तरह है, हमारी जिंदगी में आती है तो हमें बल्कि काट के ही चली जाती है और रुला के चली जाती है कि क्या फायदा ऐसी फतह के, जब हमारी आम जिंदगी अमूमी जिंदगी में हमारे फतूहात नहीं है, हम हार पे हारते चले जा रहे हैं। यानी वे खवातीन के साथ मैं आपकी खुशी में शामिल हूँ और अल्लाह ताला हमें फतह नसीब करे, हम जीत जाएं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। एनीवे मैं अपने कुछ दोस्तों के मैसेजेस भी शामिल करूंगा, लेकिन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है। We will be right back after this short commercial break. अम्मी कहते हैं बेटा महंगाई में बजट रखो, बजट रखो तो कॉम्प्रोमाइज करो, सौदे पे, बिजली के बिल पे, हर छोटी बड़ी चीज पे, पर क्वालिटी और जायके पे नो कॉम्प्रोमाइज, वो भी बजट के साथ। नेशनल रेसिपी मिक्सेस का बजट पैक 40 रुपए में, सबका बेहतरीन मजा बजट में मिला। बजट जरूर रखना पर क्वालिटी और जायके पर कॉम्प्रोमाइज ना करना, पूरे घर के लिए सबसे बेहतरीन मजा नेशनल रेसिपी मिक्सेस, पाकिस्तान्स नंबर वन रेसिपी मिक्स ब्रांड। एक बजे तक के दरमियान तशरीफ लाइए और इस सहूलत से फायदा उठाइए। मजीद मालूमात We will be right back after this short commercial break. अम्मी कहते हैं बेटा महंगाई में बजट रखो, बजट रखो तो कॉम्प्रोमाइज करो, सौदे पे, बिजली के बिल पे, हर छोटी बड़ी चीज पे, पर क्वालिटी और जायके पे नो कॉम्प्रोमाइज, वो भी बजट के साथ। नेशनल रेसिपी मिक्सेस का बजट पैक 40 रुपए में, सबका बेहतरीन मजा बजट में मिला। बजट जरूर रखना पर क्वालिटी और जायके पर कॉम्प्रोमाइज ना करना, पूरे घर के लिए सबसे बेहतरीन मजा नेशनल रेसिपी मिक्सेस, पाकिस्तान्स नंबर वन रेसिपी मिक्स ब्रांड। डायबिटीज के आलमी दिन के मौके पर पटेल हॉस्पिटल में कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुफ्त मशवरे और मुफ्त शुगर टेस्ट की सहूलत मौजूद है। अगर आप भी इस सहूलत से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो 14 नवंबर बरोज पीर को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक के दरमियान तशरीफ लाइए और इस सहूलत से फायदा उठाइए। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 02111-174-174। ऑलराइट जनाब, हम वापस आपके साथ हैं और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड। मैं हूं मुजफ्फर अहमद, हमारा आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह 1 बजे तक और हम आपको सुनाते रहेंगे गीत और गजल, उसके साथ साथ आपकी बातें। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं 8881 पे लिखना है आपने सबसे पहले HOT हॉट और फिर आप अपनी बात कहिएगा एक स्पेस देने के बाद और भेजना है 8881 पर। और नादिर साहब आपका शुक्रिया, साहब दिनों आपका शुक्रिया, आपने मलेर लिंक रोड पे से हमें मैसेज करते हैं। आज आपने मुझे शेर लिखा है कोई, जो मुझसे पढ़ने में जरा दिक्कत हो रही है, लेकिन ये आखिरी लाइनें जो हैं ये कहते हैं कि दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जो पानी से पानी पे पानी लिखना। बहुत शुक्रिया। अशार लिखने होते हैं ना, तो अगर उर्दू में आप ऐसे कंपोज करके भेजें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, रोमन में कुछ का कुछ हो जाता है, माने और मफहूम बदल जाते हैं। सो हम प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। इस वक्त 11 बजकर तकरीबन 36-37 मिनट हुआ है और मैंने आपको जो कलाम सुनाया था वो सफ़ी का सुनाया था मैदीसन की आवाज़ में, और अब मैं आगा हशर का कलाम आपको सुना रहा हूँ। तुझे नाम से मैं बाहर
معاشر کا رشتہ ملکہ غزل فریدہ خانم سے ان کی بہن یہ کوئی ان کی کیا کہنا چاہیے نسبتی بہن ہے آگاہ حسر کاشمیری کی یہ سوئے یار کے ایک شاعر کہتے ہیں حسن ہے داد خدا، حسن ہے داد خدا، عشق ہے امداد خدا، غیر کا دخل نہیں بخت ہے اپنا اپنا۔ دیکھ کر میرے مست شباب کو گلشن میں دیکھ کر دوستو، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہمیں ٹیکسٹ میسج کیجئے اور کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو دعوت دیں گے، آپ ہمیں کال بھی کر سکیں گے 111-0105 پر۔ نسیم میں بہار
We will be right back after this short commercial break. डायबिटीज के आलमी दिन के मौके पर पटेल हॉस्पिटल में कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुफ्त मशवरे और मुफ्त शुगर टेस्ट की सहूलत मौजूद है। अगर आप भी इस सहूलत से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो 14 नवंबर बरोज पीर को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक के दरमियान तशरीफ लाइए और इस सहूलत से फायदा उठाइए। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 02111-174-174। दिस क्रिकेट एंथम इज ब्रॉट टू यू बाय बिस्कोनी। इस तरह जो कह दे सबको तू बता, खेले हम शान से कोई जाने हमको ना, हमको चुराव है आसमां। जब जोश है हर रंग में तो फिर दुनिया को दे पता, अब वक्त है जब दिल को भी फिर जीतने का है नशा। बचेगा फिर से शोर जब ये खेल जब अपना ये जुनून तू सामने तो आ, बचेगा फिर से शोर जब ये खेल जमेगा, अपना ये जुनून तू सामने तो आ, मचेगा फिर से शोर जब ये खेल जमेगा। दिस क्रिकेट एंथम इज ब्रॉट टू यू बाय बिस्कोनी। अम्मी कहते हैं बेटा महंगाई में बजट रखो, बजट रखो तो कॉम्प्रोमाइज करो, सौदे पे, बिजली के बिल पे, हर छोटी बड़ी चीज पे, पर क्वालिटी और जायके पे नो कॉम्प्रोमाइज, वो भी बजट के साथ। नेशनल रेसिपी मिक्सेस का बजट पैक 40 रुपए में, सबका बेहतरीन मजा बजट में मिला। बजट जरूर रखना पर क्वालिटी और जायके पर कॉम्प्रोमाइज ना करना। पूरे घर के लिए सबसे बेहतरीन मजा नेशनल रेसिपी मिक्सेस, पाकिस्तान्स नंबर वन रेसिपी मिक्स ब्रांड। वेलकम बैक खावतीन हज़रात आफ्टर दोस कमर्शियल्स, और आप मेरे साथ हैं। कमर्शियल्स होते हैं तो मुझे भी मज़ा आता है, मुझे थोड़ा सा मिल जाता है आराम, और ना मुझे बोलना पड़ता है। और मोहम्मद अनिल नकदा साहब बहुत शुक्रिया, कहते हैं प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं नकदा हाउस से खातून नकदा के साथ, माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं सब, दुआ है समझ आ जाए। जी हाँ जी, हमारी भी यही कोशिश है। और जहाँ तशरीफ रखती हैं लाती हैं बुखारी सैयदा साहिबा, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, जिंदगी बखैर। आबदा जी की खूबसूरत आवाज से शुरुआत शो में, हम साथ हैं। बिल्कुल जी, हम भी साथ हैं। फयाज मिलास, आपका शुक्रिया, और आप सबका सबको मैं वेलकम कहता हूँ। बरकत अली हमें सुनते हैं और रेगुलर सुनते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। और बशारत हमें सुन रहे हैं जी कराची में, और बशारत हमें सलाम और दुआ और प्यार कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बशारत। आपकी सेहत के लिए हम बेहद फिक्रमंद रहते हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत जाब करे। उम्मीद है कि आप पहले से काफ़ी बेहतर होंगे। बशारत का एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे काफ़ी इनको जख्म आए सर पे भी, जिससे इनको स्टिचेस भी आए। तो सब दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि बशारत हमारे बड़े डेडिकेटेड लिसनर भी हैं और कॉलर भी हैं, कॉल कम करते हैं लेकिन मैसेज जरूर करते हैं। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और बहुत सारा प्यार है। दोस्तों अब आप मुझे कॉल कर सकते हैं
021 पहले डायल कीजिए और 111-000-105। और ख्याल रहे कि अगर लास्ट संडे आपसे मेरी बात हो चुकी है तो आज क्यों ना हम दूसरों को मौका दें, वो भी मुंतजर रहते हैं, लाइन में रहते हैं। लेकिन आप बड़े बड़े माहिर हैं, आपकी कॉल तो मिल जाती है लेकिन उनकी नहीं मिलती है। एनीवे, प्रोग्राम के पहले कॉलर कौन से हैं हम देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, जफर भाई बात कर रहे हैं। जी मैं बोल रहा हूँ, अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद फारूक बात कर रहा हूँ। मोहम्मद फारूक जी, जी फारूक साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? ये कराची से बात कर रहा हूँ जी। फरमाइए, क्या कहेंगे आप? आपने सर बहुत अच्छी बात की है, जो मैच की है ना वर्ल्ड कप, अच्छा। हमारे दिल को लगी है, बहुत अच्छी बात की है। हमारे को क्या मिलेगा, हम गरीब आदमी है, मैं गई तो कम हो नहीं रही। सही, अब क्या कह सकते हैं, बस 700 रुपए जहाड़ी लेने वाला, तीन बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं साहब। आपकी बात बहुत अच्छी लगती है सर, मैं ना तुम्हारा प्रोग्राम सुनते हैं, रात को भी सुनते हैं और अखबार को भी सुनते हैं। अच्छा, चलिए आपके लिए बहुत सारी दुआएं हमारी फारूक साहब। अल्लाह ताला ये छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी मुश्किलात हैं, लेकिन असल में ये बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े दुख हैं। लोग इन चीजों को समझते नहीं हैं। किस तरह से जो आपने बताया कि 600-700 रुपए दिहाड़ी पे काम करने वाला बंदा जो है वो किस तरह से गुजर बसर करेगा, अपने बच्चों को पालेगा। अभी सर्दियां आ रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, 700-800 हजारों, बड़े डॉक्टर के पास जाओ तो हजारों रुपए के लगते हैं, छोटे के पास जाओ मेडिकल पे तो 600-700 रुपए की तरह, क्या करें गरीब। हमारे को किस चीज की खुशी है सर, नहीं है खुशी। सही 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 बात। फारूक साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला की अल्लाह आपको आसानियां दे, आसानियां दे आपको अल्लाह ताला। दुआ किया करो, दिल बड़ा दुखी रहता है सर। अल्लाह मदद करेगा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। फारूक साहब आज पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में, और कहते हैं वो सुनते रहते हैं। तो देखें, एक इंसान जो वाकई तड़प उठा है अपने दुख पे, अपनी परेशानी का इजहार, लोग कहना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन जहां बैठे हैं ना मुजफ्फर अहमद, आपकी बात सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हो? मलिक बिलाल है, मैं बात कर रहा हूँ कराची से। जी मलिक बिलाल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काफी अरसे के बाद आपसे बात हो रही मेरी। मैं इंतजार में था, आज 11 बजे से पहले 105 ट्यून कर रही है, मैंने बोला बड़े भाई ने आना है तो उसके इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। अब्दा परवीन से शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत मेरे प्यारे भाई के लिए, और हमेशा लिए मैं प्रोग्राम में शामिल हूँ या ना हूँ, मुजफ्फर अहमद तुम्हारे लिए दुआ के लिए हाथ उठते रहते हैं मेरे। बहुत शुक्रिया जी, जजाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जजा दे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम, बात ये है जब तक बोलते अब वो गाने वाले रह गए ना ही वो सुनने वाले रह गए। जब तक हमारे बुजुर्ग हैं और उनके से हम हैं, हमारे से आगे जो है वो ये सुनने वाले नहीं है, क्यों? उनको इसका कदर नहीं है। जी हाँ, मैं नाना अबू के पास लिखा हुआ था, और नाना अबू बोला मेहंदी हसन साहब की गजल सुन रहे थे, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, ख्वाबों में मिलेंगे। मैंने पूछा ये कौन है वाले सा, नाना अबू से बोलता है जब तुम्हारा वक्त आएगा तुम सोचोगे जो ये बोल रहे ना, अब ना मैं हूँ ना तू है ना वो माजी है फराज। बात को तुम याद करके आंखों के ऊपर हाथ रखोगे, वो हमारे बड़े किधर गए, नाना दादा बाप वो कहाँ गए, ये उस पर बात खत्म होती है। जी हाँ जी, तो गुलाम अली साहब का एक सॉन्ग है तेजाबंदी में उसने पढ़ा हुआ है, दोस्त बन कर भी जी जी साथ निभाने वाला। जी हाँ जी बिल्कुल, फराज अहमद फराज की लिखी हुई, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। वाह माशाल्लाह बिलाल साहब, बड़े बाजौक लगते हैं आप। इंशाल्लाह मैं पटियाला घराना को सुनता हूँ। हाँ अच्छा माशाल्लाह, वाह शाम रासी घराना हो गया फिर तो आप हमारे इस प्रोग्राम में जो हम गजलें और गीत सुनाते हैं उसे बड़ा एंजॉय करते होंगे आप। इंशाल्लाह मैं छोटी सी एक ट्यून सुना देता हूँ उस्ताद मेहंदी हसन साहब की तुम्हें।
तो कोशिश करता हूँ मगर वो बड़े हमारे अल्लाह उनको जन्नत और फिरदौस में जी, आमीन, आमीन। छोटी सी मैं सुनाता हूँ। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये दहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। क्या बात है बलाल साहब, आप तो सुर में भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे कॉलर को वेट करने का उनका जी, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आपका बलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह सब हमें फजल काकड़ साहब क्वेटा में सुनते हैं, कहते हैं हैव अ नाइस लवली ब्राइट डे, नाइस शो, हैप्पी संडे विद फन डे, वी आर लिसनिंग यू इन पिकनिक पॉइंट। अर्शद मरी साहब भी हमें सुन रहे हैं और खैरपुर में, इसके अलावा लैया में हमें सुनते हैं मुजम्मल मांडो साहब, और फयाज मिनाज साहब कहते हैं उमर और फैसल मिनाज भी हमें सुन रहे हैं, उनका भी बेहद शुक्रिया। और आप अगर मुझे टेक्स्ट मैसेज करेंगे अपनी दिल की बात को हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी गज़ल सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, खबरों का वक्त भी हो चला है। चलिए आप सुनाते हैं, आप कमर जलालवी का जी कलाम है और बिलाल आपके नाम है। आप पहचानते हैं आवाज किसकी है? राज़े दिल क्यों ना कहो सामने दीवानों के, ये तो वो लोग हैं अपनों के नाते गानों के। यही बात है जो बरसों पहले बात कह के कमर जलालवी किससे कहें अपने दिल की बात, कौन सुनेगा हमारी बात। खुदा ज़ाहिद है सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड, मैं हूं मुजफ्फर अहमद और ये है हॉट 105। आज तक तो मेरी कश्ती ने ना पाई मंजिल, कश्ती ने न पाई मंजिल, न पाई मंजिल, काफिले सैकड़ों गुम हो गए तूफानों के, काफिले सैकड़ों हो गए तूफानों के। Thank you.
चरख पे तारे भी हैं, क्या बेतरतीब देखिए देखिए चरख पे देखिए चरख पे तारे भी हैं बेतरतीब, बिखरे हुए टुकड़े मेरे पैमानों के, जैसे बिखरे जैसे बिखरे 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 जैसे बिखरे टुकड़े. Hit Music Station. Music. 105 FM. और क्या मेरे लिए अरसाए मैशर होगा, मैं शजर होऊंगा तेरे हाथ में पत्थर होगा, यूं भी गुजरेंगी तेरे हिजर में रातें मेरी, चांद भी जैसे मेरे सीने में खंजर होगा. और जिंदगी क्या है, कई बार ये सोचा मैंने, ख्वाब से पहले किसी ख्वाब का मंजर होगा. देखिए चरख पे तारे भी हैं बेतरतीब, जैसे बिखरे हुए टुकड़े मेरे पैमानों के, जैसे बिखरे जैसे बिखरे 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 जैसे बिखरे टुकड़े मेरे पे मानों के, राज दिल क्यों न कहूँ सामने दीवाना तेरे. सर झुकाए हुए बैठे हैं जो काबे में कमर, सर झुका सर झुकाए हुए सर झुकाए हुए सर झुकाए हुए सर झुकाए हुए. तो दिनों जात
जिस तरह मैं लुत्फंदोज हो रहा हूँ हुसैन बख्श गुल्लू की आवाज़ से शायद आप भी हो रहे हों, मुझे लगता है। लेकिन कुछ ज्यादा क्लासिक हो जाता है तो लोग भाग जाते हैं क्रिकेट की तरफ। लेकिन चलिए, हम आपके लिए और भी ट्रैक हैं हमारे पास, लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज नहीं आई है सही। शाहीन आसिम बात कर रहा हूं। जी शाहीन साहब फरमाइए सर। आपकी आवाज सही तौर पर नहीं आ रही है शाहीन साहब, जरा सा अपना वो हैंड फ्री है या जो भी है। जी आप सही है जी। हेलो जी जी, अब आवाज ठीक है, फरमाइए। अभी आवाज आ रही है तो जी जी आ रही है। जो हालात इस वक्त आज के नौजवानों ने पौने यानी कि जन या दूरे अंडरवेयर पजामे पहन के यानी घर से बाजार जाते हैं और मसाजिद तक में चले जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती। मुझे समझ नहीं आती कि जब टीन एज में हम दाखिल हो रहे थे तो बहुत सी बातों के साथ ये बात खास तौर पर समझाई गई थी जी जी। कि चाहे घर में रहो या कहीं बाहर जाओ अपने लिबास का बहुत ख्याल रखो जी। बेशक पजामा दूर की बात है, अंडरवेयर लाजमी पहनो वो कैसे थे उस वक्त, लेकिन आज ऊपर मुकम्मल कुर्ता कैसे थे पहनो, लेकिन आज आधी निकर जिसे हम कच्छा बोलते हैं जी जी। ये पजामे के साथ छोटी सी शर्ट वो भी अंडरवेयर के बगैर ही पहन के पूरे शहर में घूमते फिरते जी। ये मतलब जो है सोचना समझना कि उन्होंने बिल्कुल ही एहसास नहीं है कि जिस्मानी इजाद जो है ना इसकी नुमाइश कैसे कराते फिरते हैं और ये दानिश्ता ऐसे करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अकलमंदों के लिए तो वैसे इशारा ही काफी है, लेकिन चाहो तो बलोच भाई हुसैन को सीखना चाहिए जी जी। वो कई कई गज की शलवार पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं कि कोई खातून जो है वो दुरुस्त लिबास जहाँ जो है ना जिस तरह उनके लिए जरूरी है, तो मर्दों के लिए भी जो है ना अखलाकी शरी तौर पर ये फूल नाफज़ है। माँ बाप कब तक समझाते रहे, अगर यही हाल रहा तो आज के नौजवान अपने बच्चे आज उसे आधा नंगा देख के शायद खुद पूरे नंगे मतलब घूम रहे होंगे। ये सोचना चाहिए मर्द का सूत्र जो है वो नाफ के घुटनों के नीचे तक है, वरना उसे नंगा शुमार किया जाता है। पजामा पहन कर तो ऊपर पूरा कुर्ता पहने, आधी शर्ट पसंद पैंट के नीचे अंडरवेयर पहन के थे आ जाती है। इसी ये मैं अर्ज कर रहा था जो समझने वाली बात मतलब समझते नहीं। जी हाँ जी हाँ, आसिम साहब शाहीन आसिम साहब आपने बहुत अच्छे मौजू पे बात की है, बहुत शुक्रिया। और ये इस पे कुछ और भी हम बात करेंगे, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह। सब लिबास तराश की बात कर रहे थे शाहीन आसिम साहब, और मैं भी ये देखता हूँ, मेरा भी मुशाहिदा है कि इस तरफ तवज्जो कुछ कम हो गई है घर बार में जो है वो नौजवान क्या मतलब उधेड़ उम्र के लोग भी जो है इसी तरह का लिबास पहने घूम रहे होते हैं, जो बड़े शर्म की बात है। और अब इन चीज़ों पे ना ही ख़वातीन में कोई तमीज़ रही है, मैं सबको नहीं कहता हूँ, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो ये सब कुछ करते हैं। सो ख़वातीन जो होती हैं अपने बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, बढ़ती हुई जो बच्चियाँ होती हैं ख़ासतौर पर, उनकी लिबास तराश का ख्याल नहीं रखती हैं, और न सिर्फ जी के घर में बल्कि बाहर भी, बाजार भी, शॉपिंग मॉल भी ले जाती हैं, और स्लीवलेस शुरू से ही बच्चियों को आदत डाल दी जाती है स्लीवलेस, गर्मी है सब इस वजह से। और इसके साथ साथ टाइट्स जो हैं, टाइट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, पजामे पहनते हैं। तो भाई मैं इनका हम ख्याल हूँ इस मामले में, और मेरा ख्याल है कि आप में से भी बहुत सारे लोग मेरे हम ख्याल होंगे, इसीलिए जराइम में इजाफा होता जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियों को, बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं, ज्यादतियाँ होती हैं। सो अगर ये इन चीज़ को तकवीत देता है, ये लिबास जो है आपका वो दूसरों को बताता है कि आप कितने सुलझे हुए, कितने अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। ख्वातीन के लिए भी जो बच्चियां मैंने यूरोप में, अमेरिका में देखा है कि मुस्लिम घरानों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ताकीद की जाती है, और बच्चियां जो है वो
हिजाब पहनती हैं, दुपट्टा लेती हैं और सर के बाल भी नजर नहीं आने चाहिए वो वहाँ पर, हालांकि वो मॉडर्न माशरा वहाँ पे मगरबी तहजीब है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। लेकिन हम यहाँ रहकर पाकिस्तान में रहते हुए जो हमारे अमीर घराने जो हैं, जो बड़े बड़े महलात में रहने वाले लोग हैं, उनका अंदाज उनके नौजवान लड़कों का और लड़कियों का क्या है वो आपके सामने है। बहुत सारे लोग शायद मुझे मेरी बातें पसंद ना कर रहे हों, लेकिन बात है जी ऐसा ही है। फूल की रंगत मैंने देखी, दर्द की रंगत देखे कौन, प्यार का गीत सुना है सबने, धुन थी कैसी सोचे कौन, धूप ने तन मन फूंक दिया तो साय में आ बैठा था, शाख शाख में आग छुपी है, पेड़ के नीचे बैठे कौन, अपने दर्द को घर समझकर मंजिल मंजिल छोड़ दिया, आईने पर धूल जमी है आईने में देखे कौन। नूरे जहां की आवाज और नादिर साहब की फरमाइश, फैज का कलाम, और आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड और मैं मुजफ्फर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पर, और टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं HOT हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए और उसके बाद अपना मैसेज मुख्तसर और 888-1 पर भेज दीजिए। लौट जाती है उधर को
مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان. میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشا ہے حیات, تیرا غم ہے تو غمِ دہر کا جھگڑا کیا ہے. تیری صورت ہے عالم میں بہاروں کو سبات, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے, اور تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے. یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. خواتین و زیادہ تجھے مقبول ترین نظم نقش فریادی کے دوسرے حصے کی پہلی نظم ہے فیض صاحب کی, اور اس لحاظ سے خاص ہے کہ نقش فریادی ایک ایسی کتاب تسلیم کی گئی ہے جس نے فیض احمد فیض کی ادبی شناخت کو ایک غیر معمولی پختگی کی سمت مائل کیا. ان کی شاعری میں جو تغزل اور احتجاج کا سنگم نظر آتا ہے نا, اس کا آغاز اسی نظم سے ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. میرے ساتھ ایک کالر ہے, لیکن کالر سے گزارش کریں گے کہ وہ سٹے کریں, رکیں, ہم ایک کمرشل بریک لے لیں جو بہت ضروری ہوتا ہے. We will be right back after this short commercial break. This cricket anthem is brought to you by Biscony. بڑھتے طوفان سا جذبہ ہے اس طرح, جا کہہ دے سب کو تو بتا, کھیلے ہم شان سے کوئی جانے ہم کو نہ, ہم کو چھونا ہے آسمان. جب جوش ہے ہر رنگ میں تو پھر دنیا کو دے پتا, اب وقت ہے جب دل کو بھی پھر جیتنے کا ہے نشا. پھر سے شور جب یہ کھیل جب دس کرکٹ اینتھم از براٹ ٹو یو بائی بسکونی. سیابتیس کے عالمی دن کے موقع پر پٹیل ہاسپٹل میں کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں مفت مشورے اور مفت شوگر ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے. اگر آپ بھی اس سہولت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو 14 نومبر بروز پیر کو صبح 10 بجے سے 1 بجے تک کے درمیان تشریف لائیے اور اس سہولت سے فائدہ اٹھائیے. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 02111-174-174. جناب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وہ انتظار کی زحمت گوارا نہ کر پائے, چلیے کوئی بات نہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مسز پروین آصف, بہت بہت شکریہ مصطفی صاحب. جی کون گئے بےچارے اور میری باری آ گئی. جی مصطفی صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ شاہین عاصم صاحب نے جس طرف توجہ دلوائی, اور اس کے بعد آپ نے جو باتیں کی, میں اس سے ہزار نہیں لاکھ نہیں کروڑوں فیصد متفق. جی جی بہت عمدہ گفتگو مصطفی صاحب. وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا, وہ دیکھ دیکھ کے جو حشر ہوتا ہے نا آپ کا بھی اور ہمارے بھی لوگوں کو, جو آج کی نئی تہذیب ہے کہ وہ ہے نا کہ مجھے اپنے ضبط ناز تھا, سرے بزم رات یہ کیا ہوا, میری آنکھ کیسے چھلک گئی, مجھے رنج ہے یہ برا ہوا. لیکن رات تو کیا ہے, تو دن رات ہی آنکھیں چھلکتی ہیں دیکھ دیکھ کے حسین نظارے. لیکن مطلب صاحب دکھ مجھے صرف اس بات کا ہے کہ وہ مائیں یا وہ باپ جو اپنے بچوں کو اس دنیا میں لانے کے ذمہ دار بھی ہیں, تو ان کی پرورش کی ذمہ داری کیوں نہیں صحیح طور پہ لیتے. آپ نے سلیبس کا ذکر کیا, آپ یقین کیجیے مطلب صاحب میری دو پوتیاں ہیں, بہت چھوٹی ہیں, ایک تو 6 سال کی ہے, ایک شاید 7.5 سال کی ہے. باخدا میں آپ سے یہ بات بالکل صحیح کہہ رہی ہوں, اس لیے نہیں کہہ رہی کہ مجھے آپ سن رہے ہیں یا کوئی اور بھی سن رہے ہیں.
कि मैं बच्चियों को स्लीवलेस पहन के बाहर हरगिज हरगिज नहीं जाने देती, वो कि बहुत छोटी हैं और वो टाइट्स का जो आपने जिक्र किया, नफरत है मुझे उससे। तो जब बच्चियों का सरापा आप नहीं छुपा पा रहे, मुझे तो मुजफ्फर साहब इन छोटी छोटी बच्चियों में अपना आप नजर आता है। तो औरत को अल्लाह ताला ने एक ही तरह से बनाया है जी, जी। और उसका आपने शो और हर चीज का एक खास दीदार करवाने के, मुझे माफ करे अल्लाह, मैं बड़ा अजीब मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो क्या दूसरों को दीदार कराने के लिए बाहर निकलती हैं और बच्चों को निकालती हैं? दुपट्टे गायब हो चुके हैं जो इंतहाई शर्म का मकाम है, सर ढकने को तो बड़ी बेइज्जती समझती हैं बच्चियाँ। अगर कह दोगे भाई सर ढक लो तो इतना बुरा मानती हैं, यकीन कीजिए कि बस क्या। लेकिन मुझे तो, मैं बुरा माने या मुंह बनाए कुछ भी करे, मैं बच्चियों को जरूर टोकती हूँ, या मेरे रिश्तेदारों की बच्चियाँ। अच्छी बात है, मुजफ्फर साहब हमें अपना काम पूरा करना है, कभी तो शायद किसी के कान भी जू रिंग जाए। बेशक, मुझे बेहद खुशी हुई आज आसिम साहब ने बात की, फिर आपने जो कुछ बोला, ये जिम्मेदारी हम पर है मुजफ्फर साहब। हमने कभी बचपन में स्लीवलेस नहीं पहना, मेरे वालिद साहब बहुत सख्त है, वो तो बिल्कुल लंबी फ्रॉक्स पे और शलवार और दुपट्टा, तमीज से निकलो बाहर। हालांकि मैं बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हुई थी, लेकिन वही हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुएं सर ढाके बगैर बाहर नहीं निकलती हैं, माशाल्लाह। तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी पोतियाँ भी उन्हीं की राह पे चलें, माशाल्लाह। अब ये जब वालिदैन नहीं सिखाएंगे, बड़े नहीं दिखाएंगे, वो जो सोशल मीडिया पे देखते हैं बच्चे वही कुछ सीख रहे, तो मुजफ्फर साहब रोने का मकाम है, रोने का मकाम है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह हमें वो सलाहियतें दे, वो तहजीब दे कि हम अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें। और आज के दौर में सब जानते हैं कि कितना खतरनाक दौर है, कितना खतरनाक, ना बच्ची यहाँ बची हुई है, ना बड़े बच्चे हुए हैं, उस पर भी लोगों को नहीं अकल आ रही है, फिर कब आएगी? बिल्कुल, खुदा बेहतर जाने, अल्लाह जीता रखे आपको, आसिम साहब जैसे लोगों को, कि जो कम से कम आईना तो दिखाते हैं। अब सीखना ना, ये सीखना लोगों का काम। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा फर्ज जो है वो हम अदा करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात, अल्लाह जीता रखे आपको। मैं कहती हूँ ये प्रोग्राम तो हर किसी छोटे बड़े बुजुर्ग सबको सुनना चाहिए, कि कोई तो है, शादो आबाद रहे आप, सलामत रहे अपने बच्चों के सर पे आपका साया रहे, और दूसरों पे भी कि आप एक नई राह और अच्छी राह तो दिखा रहे हैं ना। बेहद आपके लिए दुआएं, और सब सुनने वालों को मेरा सलाम। माफी चाहूंगी मुजफ्फर साहब की मेरी कॉल थोड़ी तवील हुई, नहीं कोई बात नहीं, बाकी दिल दुखा हुआ था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिसेस प्रवीण आसिफ हमसे मुखातिब थी, आपसे मुखातिब थी, और बिल्कुल उन्होंने सही कहा। यही वजह है कि आजकल बच्चे जो हैं, नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके घर बन नहीं रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। ऐसे जो माँ की जो तरबियत होती है, वही मैं हमेशा ये कहा करता हूँ। हमारी वालदा मोहतरमा, अल्लाह ताला उनको गरी का रहमत करे, वो ये कहा करती थी कि किसी लड़की का अंदाज देखना है, उठना बैठना देखना है, तो उसकी सोच देखना है, तो उसकी माँ को देख लो। उसकी माँ के जो अंदाज होंगे वही बेटी में आएंगे। और यही वजह है, इसी असना में एक और नौजवान की का मैसेज भी, टेक्स्ट मैसेज भी मेरे पास मिला है। मोहम्मद अफजल साहब हैं, वो कहते हैं कि अभी जिन साहब का आपने तस्करा किया है कि उनकी बीवी घर चली गई है अपने माँ बाप के, कुछ ऐसा ही मसला मेरा है। फरमाते हैं कि मेरे दो बच्चे हैं, और मेरी बीवी जो है पिछले 2 साल से अपने माँ बाप के घर में है। उनका तकाजा ये है कि अपना घर लोगे तो हम आएंगे, अपने घर में अलहदा रहना चाहती हैं। तो ये बेटियों के घर को बर्बाद करने वाली ज़्यादातर उनकी माएँ ही होती हैं। तो मुझे आपसे हमदर्दी है अफजल साहब। वो कहते हैं कि मुझे अपने बच्चों से मिलने की भी इजाज़त नहीं देते, और मैंने जो कोर्ट में किया हुआ है, केस किया हुआ है कि मेरे बच्चों को, और वो केस लंबा होता चला जा रहा है, बस रसूख वाले लोग हैं और वो अपनी डेट्स बढ़ाए चले जाते हैं, तारीख पे तारीख मिल जाती है। तो वहीं पे मैं बच्चों से मिलता हूँ जाके, वो 15-20 मिनट के लिए, और उसके बाद उनकी अम्मा फौरन उनको बुला लेती है और वो चले जाते हैं। मैं बेहद परेशान हूँ, दुखी हूँ, क्या करूँ, क्या मैं छोड़ दूँ बीवी को? तो मैं क्या अर्ज करूँ? मैं तो ये जो बीच की बातें होती हैं, तालीम और तरबियत की बातें, परवरिश की बातें, उन पर ज़्यादातर बात करता हूँ। और यही वजह है, असल वजह यही है हमारे माशरे की बिगाड़ की और तबाही और बर्बादी की। घर टूट रहे हैं, लोग जो है इसके बावजूद इतना, मतलब असर भी नहीं रहा है लोगों के ऊपर।
ڈٹائی کی حد تک لوگ چلے گئے ہیں کہ سو واٹ, اگر لڑکی کا گھر اپنے سسرال میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے, جہاں رہے ہمارے پاس. لیکن یہ وقتی باتیں ہیں میرے دوستو, جب ماں باپ کی عمر ڈھلنے لگتی ہے تو پھر ایسی بچیاں ایسی بیٹیاں جو اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں اپنے سسرال کو اپنے شوہر کو چھوڑ کے, ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے. ماں باپ چلے جاتے ہیں, بھائی بہن وغیرہ, کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے. سو عقل کی بات یہی ہے کہ تھوڑا سا برداشت, تھوڑا سا صبر کر لیا جائے. یہ شروع کے, ہمیشہ کہتا ہوں شروع کے 2-3 سال 4 سال جو ہوتے ہیں تھوڑا مشکل ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی گھر بس جاتا ہے اگر گھر بسانا چاہے کوئی. یعنی وہ خواتین اور ساتھ ایک اور کلام میں سناتا ہوں آپ کو. آپ مجھے اس اسنا میں فون بھی کر سکتے ہیں 1111-0105 پر. ایک بہت اچھا کلام, غلام علی کی آواز. ابھی بلال صاحب نے مجھے یاد دلایا, وہ کلام تو نہیں ہے لیکن غلام علی کی آواز میرے پروگرام میں ضرور شامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت اور تندرستی کے ساتھ وہ اپنے کیونکہ عمر کافی ان کی ماشاءاللہ ہو چکی ہے, ان کی اولاد بھی ہے. لیکن یہ بھی میں دیکھتا ہوں اکثر کہ ان کے بچوں نے ان کا علم جو تھا ان کی ریاضت سے کچھ زیادہ حاصل نہ کیا. ایک کالر ہے, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں آگے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مظفر احمد صاحب, میں جان محمد جدون بلدیا ٹاؤن آبدآباد سے بات کر رہا ہوں, کراچی سے. جی جان صاحب, وہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ بہت اچھے ہیں جی. بس آپ کی جو آواز سنتے ہیں نا, بس کیا آپ کو بتاؤں, بس ایک چاشنی جی مل جاتی ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کی. آپ کی آواز میں ایک ایسی چاشنی رکھی ہوئی ہے. تو ہم تقریباً جو شام کا پروگرام ہوتا ہے رات کا, وہ تو میں تقریباً جب بھی آپ کرتے ہو میں ڈیلی سنتا ہوں. اچھا اچھا اچھا, چلیے بہت شکریہ آپ کی نوازش آپ کی. تو اس لیے اللہ پاک نے آپ کو بات ہی ایسی دی ہوئی ہے, تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ. کچھ کوئی اور خاص بات کہنا چاہیں گے, میسج دینا چاہیں گے سننے والوں کو؟ میسج یہی ہے کہ آگے کو بزرگ فرما رہے تھے پردے کے بارے میں. جی جی. تو پردہ تو ہمارے لیے جو ہے نا, یہ تو ایک سمجھو بھی ہے, واجب بھی ہے, سنت بھی ہے. صحیح, صحیح. تو کرنا چاہیے لازمی. جی ہاں, گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی. بے شک, مرد کے لیے وہی حکم ہے, عورت کے لیے وہی حکم ہے. بے شک بے شک بے شک سر, بہت شکریہ جان صاحب, بہت شکریہ, جزاک اللہ. تھینک یو, تھینک یو, اللہ حافظ. وعلیکم السلام. اور بخاری سید آپ کا شکریہ, آپ کو حسین بخش گلو کی آواز بھی پسند آئی اور آپ نے ہمیں دعائیں دی, بہت شکریہ. ہم نے ابھی ایک فرمائش پوری کی تھی نادر صاحب کی, لیکن نادر صاحب نے میسج نہیں آیا ان کا, غالباً وہ اب ہمیں سن نہیں رہے ہیں. anyway, ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا. اور برکت علی لیاقت آباد میں کہتے ہیں خوش رہیں, اس کو آن ایئر نہ پڑھیں. اچھا چلیں, میں نہیں پڑھتا ہوں پھر, میں باقی آپ کا میسج نہیں پڑھتا ہوں. لیکن میں آپ کو جو اب آواز سنا رہا ہوں, ہمارے ایک بہت اچھے شاعر تھے اور مجھے یہ اعزاز حاصل رہا, اطہر نویس صاحب ایک اخبار میں, ایک میگزین میں ہوا کرتے تھے جریدے میں, اور ان سے وہاں ملاقات بھی رہی, بہت کم ملاقات رہی, لیکن یہ اعزاز رہا کہ جس کرسی پہ بیٹھ کے وہ کام کیا کرتے تھے, جس کمرے میں ان کی کتابیں اور باقی چیزیں رکھا کرتے تھے, وہاں پہ میں اور میرا ایک دوست, ہم وہاں پہ بیٹھتے رہے, وہاں پہ کام کرتے رہے, اسی ادارے میں اسی جریدے میں ہم نے تقریبا 3-4 سال گزارے. تو اطہر نفیس صاحب کی ایک غزل پیش کرتا ہوں آپ کے لیے غلام علی کی آواز میں. سوچتے اور جاگتے سانسوں کا ایک دریا ہوں میں, اپنے گمگشتہ کناروں کے لیے بہتا ہوں میں, اور بیش قیمت ہوں میری قیمت لگا سکتا ہے کون, بیش قیمت ہوں میری قیمت لگا سکتا ہے کون, تیرے کوچے میں بکوں تو پھر بہت سستا ہوں میں. اور خواب جو دیکھے تھے میں نے وہ بھی اب دھندلا گئے,
خواب جو دیکھے تھے میں نے وہ بھی اب دھندلا گئے، اب تو تم آ جاؤ صاحب، اب بہت تنہا ہوں میں۔ جل گیا سارا بدن ان موسموں کی آگ میں، جل گیا سارا بدن ان موسموں کی آگ میں، ایک موسم روح کا ہے جس میں اب زندہ ہوں میں، اپنے گم گشتہ کناروں کے لیے بہتا ہوں میں، سوچتے اور جاگتے سانسوں کا ایک دریا ہوں میں۔ اور ادھر نفیس صاحب فرماتے ہیں لفظ گونگے ہیں انہیں گویائی دینے کے لیے، لفظ گونگے ہیں انہیں گویائی دینے کے لیے، زندگی کے سچے لمحوں میں غزل کہتا ہوں میں۔ تجھے میرے ہونٹوں کا تبسم دے گیا دھوکا، تجھے میرے ہونٹوں کا تبسم دے گیا دھوکا تجھے، تو نے مجھ کو باغ جانا دیکھ لے صحرا ہوں میں، اپنے گم گشتہ کناروں کے لیے بہتا ہوں میں، سوچتے اور جاگتے سانسوں کا ایک دریا ہوں میں۔ دیکھیے میری پذیرائی کو اب آتا ہے کون، دیکھیے میری پذیرائی کو اب آتا ہے کون، لمحہ بھر کو وقت کی دہلیز پر آیا ہوں میں، اپنے گم گشتہ کناروں کے لیے۔ بس دوستو ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اقبال مخلص عرض کر رہا ہوں جرمنی سے۔ جی اقبال صاحب، جی اقبال صاحب موسٹ ویلکم، آپ کی بہت پہلے آپ سے بات ہوئی تھی غالباً۔ جی جی محبت ہے آپ کی، بلکہ ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں تندو والا یار سے تھے کراچی میں، ہماری ساتھ اکٹھے پڑھتے تھے۔ جی جی بالکل آپ کا ہو بہو لہجہ ان سے، اقبال خطک ان کا نام تھا، میں اکثر یقین پہ دھوکہ کھا رہا ہوں اس محبت سے آپ کو، جمعرات کو سنڈے کو سنتا ہوں، بلکہ وہ میں ابھی گاڑی میں اور کسی میں رابطہ کر سکتا ہے کہ گاڑی میں ہوں، محو سفر اور نیند نہیں ہے آنکھوں میں، وہ اجڑی بچی آنکھوں کی ایک زمین ہے سانسوں میں، اپنی زمین کے متعلق اور جو آپ نے عرض کیا ہے یہ ابھی جو مسئلہ ہے، آپ یقین کریں میری ایک اسٹوڈینٹ تھی یہاں پر چچینیا سے آئی تھی، تو میں ان کو پڑھانے کے لیے جاتا تھا، تو ایک دفعہ ان کی ایک جرمن فرینڈز آئی، 10-11 سال کی عمر تھی، تو کچھ ان کے نا یعنی کہ گربان نظر آیا، اس نے کہا یہ اپنا گربان ڈھانکو تمہیں شرم نہیں آتی ہے، نتیج سے کیا ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصا کوئی پرابلم ہے تو تمہاری سر کے نظروں میں یا اس کے دماغ میں ہے۔ سوزا نے بڑا اچھا انقلاب برپا کیا فرانس سے، اور جو جس طریقے سے یقین کریں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ امریکہ یہ یورپ وغیرہ میں یہ باتیں ہوتی ہیں، اور یہ پتہ یہ ہمارے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اگر شعور آ جائے، دیکھیں
وقت کو آپ روک نہیں سکیں گے. جی جی حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ جو نسل جو طلاقوں پر آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ جو پردے میں دبا دبا کر صرف عورت کو مفقود کیا اور جو اس کو موقع ملا اس نے اپنا نیچر پن دکھا دیا ہے. جی حقائق کے ساتھ میرے آپ جیسے یا اس پلیٹ فارم سے میں کل بھی عرض کر رہا تھا آپ کے کافی پروگراموں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حی علی الفلاح یا میرے پیارے نبی یا میرے اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ سب سے پہلے بلوغت میں نکاح انسان کو اس کی بنیادی ضروریات گھر پر موجود ہو پھر اس کی آنکھیں ترس نہیں لی پھر آپ کو اس کی تربیت کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیٹ ول بی اے سسٹم میرا کسی وقت بھی رابطہ کٹ سکتا ہے لیکن معذرت کے ساتھ شعور کا اور وقت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ گو اہیڈ ہوں. 70% کل کے ایک میں نے جریدے میں پڑھا ہے کہ ہمارے یہاں اسی طرح کا احتجاج ہو رہا ہے پرابلم جو بدنظمی ہے بد اخلاقی ہے اور گھریلو ناچاکیوں کا ایک دور دورہ چل پڑا ہے. بلیو کریں معذرت کے ساتھ میرے منہ سے خدا نہ خواستہ کوئی غلط لفظ نہ نکلے جن لوگوں کے پاس مکھو ٹھپا ہوا ہے وہ بڑے خوش ہیں لیکن حقائق کے نزدیک اگر ان کو تھوڑا سا اگر اندر سے کرید کر دیکھیں تو یہی ہوتا ہے کہ مرد آنکھیں بھوکی کر کے بیٹھا ہوا ہے اور یہی سمجھتی ہے بس مجھے بھی اگر موقع مل جائے تو. یہ یورپ کا یا میرا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد مدعا یہ مجھے 35 سال ہو چلے میں نے جو کچھ اخذ کیا ہے دوسری میری کتاب آ رہی ہے میں نے آپ کے واٹس ایپ نمبر پر بھی ریکویسٹ کی ہے اگر دوست صاحب آپ کو چھانے چاہتے ہیں تو اس کی رونمائی ہے اگلے ہفتے لمحہ فکر. یہی لمحات ہیں وہ فکر کے جو میں نے یہ 30-35 سال میں یہاں سے اخذ کیے ہیں اور اس کے لیے ریکویسٹ یہی ہے کہ خدا نہ خاصا قرآن اس طرح کا کوئی ایسا ایک صحیفہ ہے جو ہمارا پریکٹیکل عملی زندگی کو شروع کرواتا ہے. جی جی اگر اس پر نہیں اڈاپٹ کر پا رہے اپلائی نہیں کر پا رہے تو یہ ہمارا ایک سوال ہے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے اردو زبان تاریخ کا ایک حصہ ہے ہم ابھی سال کی طرف شروع ہیں. اقبال صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی ہے. جی چلے میں معذرت میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا میں گاڑی میں ہوں. جی 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 میں سمجھ گیا اور آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور سننے والوں تک یقین آپ کی بات پہنچی. بس کوئی کہتے ہیں کہ وہ لفظ اسی وقت اثر رکھے گا جب پروفیشنل میرا کام ہے لکھنا آپ کا کام ہے ماشاءاللہ ہیرو بن کر اس کو پیش کرنا اور ڈائریکٹر کام کرنا اس کو اچھے طریقے سے ڈائریکٹ تب یہ فلم جا کر ہماری معاشرتی بہتر بنے گی. بہت شکریہ سر. جزاک اللہ تھینک یو ماشاء اللہ. اقبال صاحب جی ہمارے ساتھ تھے اور یہ جرمنی میں ہوتے ہیں پہلے بھی ان سے بات ہو چکی ہے اور سب باتیں ہم کرتے ہیں دکھی دل کے ساتھ اور ظاہر ہے کہ معاشرے کی سدھار کے لیے جو جس دین پر ہم عمل پہ رہا ہے بظاہر یہ ہے نمود و نمائش تو زیادہ ہے اس میں خیر لیکن جو روح ہے اصل روح ہے تو وہ کہیں غائب ہے. تو ہمیں میسج کیا ہے نادر صاحب نے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بالکل آپ کو سن رہا ہوں. بہت شکریہ جی. یہی آپ نے غزل فیض کی سننے کی فرمائش کی تھی نا اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے بتائیے گا جی بھی. اور برکت علی ہم نے بھی آپ کو یاد کیا تھا جمعرات کی رات جب ہم پروگرام کر رہے تھے گانے جانے کیونکہ آپ کا میسج نہیں تھا تو ہم نے آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا تھا. اور اب میں آپ کو سب ریشما کی آواز میں ایک عجب طرح کا درد ہے ایک ہوک ہے ایسے لگتا ہے کہ آنسو امڑے چلے آتے ہیں قطار اندر قطار اور دامن میں جذب ہوتے جا رہے ہیں. ایک تڑپ ہے ایک دکھ ہے ایک اذیت ہے اور اس اذیت میں کبھی آپ نے کوئل کو کوکتے دیکھا ہے ایسی ہی کوئل تھی جی اللہ تعالیٰ گری کی رحمت کرے. منظور جھلا کا یہ کلام آپ کو سنا رہی ہیں. پہلی پہلی باری
We will be right back after this short commercial break. This cricket anthem is brought to you by Biscony. कह दे सबको तू बता खेले हम शान से कोई जाने हमको ना हमको छूना है आसमां जब जोश है हर अंग में तो फिर दुनिया को दे पता अब वक्त है जब दिल को भी फिर जीतने का है नशा अफसाना कोई यारा है अपना ये जुनून देगा फिर से शोर जब ये खेल जब अपना ये जुनून तू सामने तो बचेगा फिर से शोर जब ये खेल जमेगा अपना ये जुनून तू सामने तो मचेगा फिर से जोर जब ये खेल जमेगा. This cricket anthem is brought to you by Biscony. خواتین عزیزات آپ سن رہے ہیں سنڈے مارننگ ود لیجنڈ, میں ہوں مظفر احمد آپ کے ساتھ. کچھ وقت اور ہے, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کی؟ طبیعت مزاج ٹھیک ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ, مالا خیر. آپ لاہور میں ہیں؟ بالکل بالکل, آج میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا, میں ابھی میں آ گیا. کوئی بات نہیں, آپ کے میسیجز بھی مل گئے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے؟ جی انشاءاللہ جیتے گا بالکل. آپ لاہور میں, لاہور کا موسم کیسا ہے؟ بہت پیارا موسم ہے. کچھ خنکی سردی کچھ آغاز ہو رہا ہے؟ بالکل. اچھا اچھا, چلیے آپ اپنے کام سے جس کام سے گئے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے ہمیشہ کی طرح, بہت شکریہ. کوئی اور بات کہنا چاہیں گے؟ بالکل, بس ان شاء اللہ یہاں پہ ہم لوگ اپنا کام بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ بھی سن رہے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے. چلے بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا, اللہ حافظ. الحمد للہ مالا خیل جو ہمیں ہم سے بات کوئٹہ سے کیا کرتے ہیں, اب وہ لاہور میں ہیں اور آپ جہاں کہیں بھی ہے. اثر نفیس کا ذکر ہم کر رہے تھے تو بڑے اچھے اشعار ہیں, وہ کہتے ہیں وہ دور قریب آ رہا ہے جب داد ہنر نہ مل سکے گی, اس شب کا نزول ہو رہا ہے جس شب کی سحر نہ مل سکے گی, پوچھو گے ہر ایک سے ہم کہاں ہیں اور اپنی خبر نہ مل سکے, آسان بھی نہ ہوگا گھر میں رہنا, توفیق کے سفر نہ مل سکیں گے. ہمارے ایک محترم کالر جمیل خان صاحب نے لاسٹ سنڈے مجھ سے فرمائش کی تھی ظفر علی کی آواز میں, انہوں نے کہا تھا کہ ملتا نہیں ہے یہ آواز, سننے کو نہیں ملتی ہے, تو ان کی نظر ہے. جمیل خان صاحب اگر ہمیں سن رہے ہیں تو ان کے لیے. اوکے, اچھا کلام ہے جی. ہم نے کر کے دیکھے ہیں
देते हैं आईने के सौ टुकड़े हम निकल के देते एक में भी तन्हा थे एक में भी तन्हा थे एक में भी तन्हा थे और सौ में भी अकेले ظفر علی کی آواز آپ سن رہے ہیں. آپ بھی کسی غزل کی کسی گیت کی فرمائش کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. ہاٹ 105 کا آفیشیل پیج ہوتا ہے, اس میں ہمارے پروگرام کی اپڈیٹنگ ہوتی ہے, وہاں جا کے آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے آپ کی فرمائش پوری کرنے کی. ظفر علی ایک مخصوص انداز میں گایا کرتے تھے, جیسے منی بیگم یا کچھ اور اسی طرح کے گلوکار تھے. بہت بڑی ان کی فین فالوئنگ تھی, بہت سارے لوگ انہیں پسند کرتے تھے. سب وقت بالکل کم ہے, میں لاسٹ کالر غالباً ہولڈ پہ ہیں, ان سے دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام فضل کاکڑ, کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا احسان شکر الحمدللہ. آپ کو اور تمام خوبصورت سماعتوں کو آواز کی دنیا میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. بڑے اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کی آواز بھی سن رہے تھے اور بڑا اسکرین بھی دیکھ رہا تھا. بس آج فائنل ہے, بس دعا کر لیتے کہ اللہ پاک ہماری ٹیم جو ہے جیت لے. کیونکہ ایک شعر میں اس کے نام کرنا چاہتا ہوں, علامہ اقبال کا ایک شعر کہتے تو خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. ایک دوسرا شعر بھی ہے, تو شاہین ہے پرواز کام تیری. ہاں تو شاہین ہے پرواز کام تیری, تیری آگے جہان اور بھی ہے, تیری آگے آسمان اور بھی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اللہ بڑی معصومیت اور بڑے آپ کا شکریہ دوستو, جن جن دوستوں نے مجھے کال کیا. اور چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ ہم آپ کی کالز اور بھی لے لیتے.
اور ایک پروگرام کے آخر میں ایک اور بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اس وقت موقع نہیں ملا, جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی آنکھ کا قصور ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو. دیکھیں شیطان کا کام تو یہی ہے کہ وہ آپ کو بہکاتا ہے, اور ایک قدرتی طور پر یہ کشش ہے مرد اور عورت کے درمیان, ایک کشش ہے. ہمارے ہاں کوئی خاتون, کوئی بچی, کوئی بوڑھی بھی جا رہی ہو تو ہم بڑی دور تک ہماری نگاہیں اس کا تعاقب کرتی ہیں. تو یہ ایک یہی تو ہے جو ہمارا امتحان ہے, وہ یہی تو ہے کہ آپ نے اپنے نفس پہ کس طرح سے قابو پانا ہے. اور جن لوگوں نے نفس پہ قابو پا لیا وہ کامیاب ہوئے, وہ اللہ کے قریب ہوئے. خواتین و زیاد, آج کے پروگرام آپ کو کیسے لگا؟ آپ مجھے رائے دے سکتے ہیں, میرا ای میل ایڈریس بھی میں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں. میرا ای میل ایڈریس ہے rjmuz260@gmail.com. میں دہراؤں گا نہیں کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں اپنی پبلسٹی کر رہا ہوں. مسٹر پروین آصف کی بھی ایک فرمائش تھی, وہ ہم پیش کرتے ہیں. اور مظفر احمد کو اب آپ اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جمعرات کی شب گانے جانے جانے میں رات 10 بجے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. آج کرکٹ کے لیے بھی دعا کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ پاکستانی ٹیم کو فتح نصیب کرے, ہم جیت جائیں, اور ہم اس دن جیتیں گے جب ہمارے مسائل کم ہوں گے. اللہ حافظ ناصر, الوداع. لیکن